हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप ब्यूटीज़। और मैं अंकिता। अगर आपकी स्किन भी सांवली होती जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपको इसे कैसे फिर से वापस लाना है, तो आप इस छोटे छोटे ट्रिक्स को अपना के आप पहले जैसे ही, जैसे आपके चेहरे की रंगत थी, जैसे इसके आप जैसे आपके स्किन की टोन थी, आप उसको वापस ला सकते हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको 5 मिनट पर डे अपने स्किन को देना होगा, ताकि आप उस कलर को, आप उस ग्लो को वापस से रिगेन कर सकें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं कि हमें किन ट्रिक्स को अपना कर वापस अपने चेहरे को ग्लोई एंड क्लियर बनाना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे कच्चा दूध, रॉ मिल्क, यानी जिस दूध को हम नहीं उबालते हैं उसे रॉ मिल्क कहते हैं। हम इसे इसमें कॉटन डिप करेंगे और अपने फेस पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज देंगे। आपको अब इस बचे हुए दूध से ही एक सीरम बनाना है, जो आपको 5 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करके वॉश कर लेना है। अब हम दोबारा से कॉटन इसमें डिप नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के फेस से बहुत ही डर्ट निकलेगा जब आप अपने फेस को क्लीन करेंगे। इसलिए आपको वापस से अपने फेस पर फिर आपको वापस से इस कॉटन को इस दूध में नहीं डुबाना है। यानी एक बार जो हम लोगों ने दूध ले लिया कॉटन पे, उसे ही आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर हल्के हाथों से मसाज करना है। जब 2 से 3 मिनट तक आप अपने फेस पर इसे मसाज कर देंगे यानी क्लीन कर लेंगे, तो आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है। आप चाहे तो इसे, जब आप दूध से क्लीन अप करेंगे, तो आप इसे अपने फेस पर सूखने भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप नॉर्मली इसे जब आप मसाज कर रहे हैं तो क्लीन करने के बाद आप डायरेक्टली अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप के लिए। इसे भी आपको अपने फेस पर मैक्सिमम 5 मिनट तक ही रखना है, उसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। रॉ मिल्क है जो लेफ्ट रह गया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। हनी एंड लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे वाइल्ड टर्मरिक। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर लीजिए, और नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी ले लीजिए। और हमारा सीरम रेडी है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो इस सीरम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप कॉटन पैड से भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉटन पैड का यूज़ करेंगे। इसे इस तरह से डिप करेंगे और अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। इस सीरम को अपने फेस पर बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है आपको। आप इसे अप्लाई कर लीजिए और आराम से आप अपना अपने दूसरे कामों को भी कर सकते हैं। जब ये सूख जाएगी, बस आपको इसे वॉश कर लेना है। अगर ये नहीं सूख रही है, फिर भी आपको 5 मिनट तक ही इसे अपने फेस पर रखना है और फिर इसे वॉश कर यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं। याद रखना है कि इस सीरम को हमेशा आपको फ्रेश अप्लाई करना है, जैसे आपने अभी बनाया और आपको इसे अप्लाई कर लेना है, क्योंकि फ्रेश रॉ मिल्क आपके फेस के लिए मिरेकल है। डेट्स वाई अगर आप कोशिश करें कि आप एकदम फ्रेश ही इस क्रीम को बनाएं, इसलिए जितना आपके फेस के लिए इनफ हो आप उतना ही इसे बनाएं। इस तरह से आपको अपने फेस पर अप्लाई करके 5 मिनट के लिए इसे आप अपने फेस पर छोड़ सकते हैं। और फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ड्राई होने का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 5 मिनट तक अपनी स्किन पर रखें और वॉश करें। आप देख सकते हैं इसे अप्लाई करने के बाद फेस बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश फील होगी। और आपको मॉइस्चराइज करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र ना हो तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र हो जो आपको पसंद हो, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बायोटेक के मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे ही अप्लाई करना है, बस आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है।
मॉइस्चराइज के साथ साथ आपको अपने स्किन को हाइड्रेट भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप दिन भर में अपने फेस के लिए कुछ ना भी करें, आप अगर नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करते हैं उसके बाद भी आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ आपको अपने स्किन को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम आप 7 से 8 ग्लास पानी दिन भर में पिए, जिससे आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन कभी भी डार्क डल फील नहीं करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी शादी होने वाली है उनके स्किन की, वो अगर उनकी शादी को 1 से 2 मंथ बचे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी स्किन हेल्दी रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्दी के साथ साथ उनके फेस पर फेयरनेस भी रहे और ग्लोई भी रहे स्किन, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे कि हमें उसे किस तरह करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।